भारत के गुजरात स्टेट के पोरबंदर शहर से करीब 18 या 20 किलोमीटर की दूरी पर मोढवाड़ा नाम से बहुत प्राचीन एक छोटा सा गांव, जो गांव बहुत सारी विशिष्टताओं से भरा हुआ है। इस छोटे से कस्बे में बहुत सारी ज्ञाति जाति के परिवार रहते हैं। उनमें से एक जाति जो महरकोम से जानी जाती है। अगर देखा जाए तो महरकोम सदियों से पोरबंदर जिले के आसपास के गांवों में बसी हुई है। इस कौम की सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी देखने को मिलती है। इस कौम के रहन सहन, रीति रिवाज सबसे निराले हैं। प्यार और मोहब्बत से सदियों से सबके साथ जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाली ये कौम इतिहास के पन्नों में भी इसके बहुत सारे किस्से दर्ज हुए हैं। एक दौर था जब भारत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, जहां बादशाहों और राजाओं के राज चलते थे। इन बादशाहों और राजाओं की हुकूमत में महरकोम के भी कई सारे नौजवान थे। सुबह का सूरज उगते ही हुरके में तो ढूंढ ली दीजी जी जी हुरवाने हाली पानी रे गागर भरोसे गोरी ली दी गागर भरोसे गोरी ली दी आरानी हूँ ये जानी रे मैं कनोड़ा तोरी गोवाला मैं कनोड़ा तोरी गोवाला मैं कनोड़ा तोरी गोवाला मोर लिए लाल चाणी रे मैं कनोड़ा इस गांव की रहन सहन बहुत निराली है। यहाँ की औरतें अपने घर को संभालने के लिए दिन भर बहुत मेहनत करती थी। घर से दूर पानी के लिए कुएं पर जाकर पानी भर लाना, घर आकर आटा पीसना और सबके लिए खाना बनाना, और घर के आंगन में पाले अपने पशुओं को संभालते संभालते थके हारे अपनी थकान को दूर करने के लिए इस महरकोम की औरतें अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए रास गरबा खेलते हुए नजर आती थी। तो आइए देखते हैं इस रास गरबा की एक झलक। पड़नी साए
कुछ इस तरह से यहाँ के लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। उस दौरान सन 1845 की ये बात है, गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर से करीब मोढ़वाड़ा गांव की महर कोम का नाथा मोढ़वाड़िया नाम का एक किसान, जो बड़ी ही मेहनत से बैल और हल के साथ अपने खेत में मशरूफ था, तभी अचानक से एक आदमी नाथा की बुआ का संदेशा लेकर उसके पास आया। नाथा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी बुआ से मिलने को दोगुनी रफ्तार से निकल जाता है। जवाब देते हुए बुआ बोली, नाथा अभी अभी जामनगर स्टेट के कुछ सिपाही सालार हमारे आंगन की सारी गाय और भैंसों को उठा ले गए हैं और तुम्हारे जीते जी ये दिन देखना पड़ रहा है। और इस तरह से ये सब सुनते ही नाथा मोढ़वाड़िया नाम का ये किसान एक बागी बनने को मजबूर हो गया। और देखते ही देखते नाथा ने जामनगर स्टेट के राजा को अपनी शक्ति बल और पराक्रम से कुछ ही दिनों में धूल चटा दी। एक ते युथा पिया ए जनटी माजा मतना पण सुनियो सुनियो सिसो दिया खंड माना थिया कुखे मेरा तना मणिधार माइला में दुश्मन माज करो के तो वरता
अपनी बुआ का बदला लेने के बाद नाथा एक सुनसान बड़ा पहाड़ी इलाके में ओलापाना नाम की जगह पे चला जाता है और धीरे धीरे कुछ समय काल में उसने महर और मकरानी के जांबाज युवानों को लेके अपनी एक ताकतवर टोली भी खड़ी कर लेता है और उन्हीं नौजवानों को घोड़े सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की तालीम दी जाने लगी और ऐसे वो अपनी इस टोली को और भी ताकतवर और मजबूत बनाने लगा। गुजरात के कुछ ऐसे ही जालिम राजा और नवाब थे जो अपने जुल्म और सितम से गरीब लोगों पर अत्याचार गुजारते थे। सभी राजा और नवाबों को युद्ध में हराने के बाद विजय बनकर नाथा अपनी टोली के साथ वापिस अपनी जगह ओले पाने पर जीत के जश्न की तैयारियां कर रहे थे। उसी समय एक घोड़े सवार अचानक से इस जश्न में आ पहुंचता है जो चापराजवाड़ा के नाम से जाना जाता था और नाथा से मदद की गुहार लगाता है और नाथा उसे मदद करने का वचन देकर अपने जश्न में शामिल कर लेता है और महर कोम का परंपरागत लोक नृत्य जो आज भी मणियारा के नाम से जाना जाता है वही नृत्य पेश किया जाता है। Thank you.
नाथा के इस पराक्रम और कारनामों की वजह से यहाँ के राजा महाराजा और नवाबों ने अपनी सलामती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को गुहार लगाई और इस बात को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फरमान जारी किया कि नाथा को जिंदा या मुर्दा पेश किया जाए। ये फरमान को सुनते ही महर कौम के भिन्न भिन्न 42 गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग रीणावाड़ा गांव में इकट्ठे हुए और इस फरमान को ना मानते हुए उन्होंने इस फरमान को ठुकरा दिया। इस फरमान को ना मानने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, राजा महाराजा और नवाबों ने मिलकर नाथा को छल कपट से जहर देके मार दिया। सभी के दिलों में और इतिहास के उन पन्नों में वीर योद्धा नाथा की गाथाएं आज भी अमर है। अग्यारे मेरे भांग यने लोटू माले खात पण नाथा जलमन था ए तारा वंश माई वासी अंगराउत।